श्री हनुमान जी की राम कथा तो दुनिया भर में गाई जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत है। लक्ष्मण जी की कथा के बिना राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और उसे बांधकर लंका ले आया। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वह सबसे बड़ा योद्धा हुआ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की वीरता को सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि इंद्रजीत का वध करना रावण से अधिक मुश्किल क्यों था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल में कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता के मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो, ये कैसे संभव है। अगस्त मुनि सारी बातों को सुनकर समझकर फिर मुस्कुराए, भला प्रभु से कुछ छुपा है। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम जी के गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए, प्रभु ने कहा कि आपसे कुछ पूछा जाएगा, सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा, फल दिए गए फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत गए थे तो सुग्रीव ने हमें आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था, आपको स्मरण होगा। मैं तो सिवाय उनके पैरों के निपुर में कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए, आप और माता एक कुटी में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष का बाँ चढ़ाए पहरेदारी पर खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से वेध दिया। निद्रा ने स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज अभिषेक होगा और उनके पीछे मैं सेवक की तरह जब खड़ा रहूँगा तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा राज अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था, अब मैं 14 साल तक अनहारी कैसे रहा। सुनो, मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे, 1 भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया है, सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेके आए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से का फल नहीं था। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने उन 7 फल कम होने के बारे में बताया, वास्तव में उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। जिस दिन हमें पिता श्री के स्वर्गवास होने की सूचना मिली थी हम निराहारी रहे, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया था उस दिन फल लाने कौन जाता, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राय मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत ने नाग पास में बांध कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा और हम शोक में रहे, जिस दिन मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी थी और जिस दिन आप रावण का वध किया था, इन दिनों हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या, उसके प्रयोग से मैंने 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रण कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उसे हृदय से दोस्तों लक्ष्मण जी के त्याग और तपस्या के बारे में सुनकर अगर आपके हृदय से जय श्री राम निकल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, क्योंकि हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह यूजफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। जय श्री